बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हम सीधा आदमी हैं, सोच बात बोलते हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। भाजपा भाजपा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। लोग नागपुर से नियंत्रित होते हैं। उनके साथ कोई गया तो सत हरिश्चंद्र था। 20 लाख ही नहीं हुआ, बहुत लाख होगा। वो सरकार जो कही है अपने कमिटमेंट पर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कमिटमेंट के पक्के आदमी हैं, वह उसके अंदर मतलब बिहार के नेतृत्व नहीं, पूरे नौजवानों के नेतृत्व करने की क्षमता है और उसने कमिटमेंट किया है। तैयारी शुरू है और पढ़े लिखे नौजवानों को मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये लोग चाहे प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने में जितना विलम्ब हो, ऐसे तो बैठा नहीं देना है, नियम कानून को पालन करते हुए, आरक्षण को पालन करते हुए, सारे प्रक्रिया को पालन करते हुए मुझे भरोसा है कि सरकार उस दिशा में निश्चित काम कर रही है। भाजपा कह रही है कि जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ के भाजपा में आए थे तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव या और पार्टी के लोग कहते थे पलटू चाचा, अब फिर इसमें से इसमें गए हैं तो इसको अब क्या कहा जाएगा? भाजपा जो है, भाजपा भाजपा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस का डिजाइन है, नक्शा है। वो लोग नागपुर से नियंत्रित होते हैं। वो लोग देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके नागपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, अगर उनके साथ कोई गया तो सत हरिश्चंद्र था, अगर उसने देखा कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, देश टूट रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सद्भावना बिगड़ रहे हैं, नौजवान रोज रोज पर उमड़ गया, तो वो बेचारा समाजवादी है, समाजवादी व्यक्ति, समाजवादी सोच समझदारी के जमात में चल गया तो बीजेपी को बड़ा खटक रहा। उस समय बड़ा निमन लगा था, आज खटक रहा है। मैंने कहा कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो ये जो क्या जो मिलाप कर रही है, इस मिलाप में कोई जान नहीं है। सरकार काम कर रही है, हम लोग काम करेंगे, बिहार की जनता पसंद की है। और मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन क्या है, यह परिवर्तन बिहार के परिवर्तन ने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। लोकनायक नए प्रकाश लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर, जय प्रकाश बाबू और ये हमारे राजेंद्र। भाजपा भाजपा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस का डिजाइन है, नक्शा है। वो लोग नागपुर से नियंत्रित होते हैं। वो लोग देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके नागपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, अगर उनके साथ कोई गया तो सत हरिश्चंद्र था, अगर उसने देखा कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, देश टूट रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सद्भावना बिगड़ रहे हैं, नौजवान रोज रोज पर उमड़ गया, तो बेचारा समाजवादी है, समाजवादी व्यक्ति, समाजवादी सोच समझदारी के जमात में चल गया तो बीजेपी को बड़ा खटक रहा। उस समय बड़ा निमन लगा था, आज खटक रहा है। मैंने कहा कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो ये जो क्या जो मिलाप कर रही है, इस मिलाप में कोई जान नहीं है। सरकार काम कर रही है, हम लोग काम करेंगे, बिहार की जनता पसंद की है। और मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन क्या है, यह परिवर्तन बिहार के परिवर्तन ने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। लोकनायक नए प्रकाश लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर, जय प्रकाश बाबू और ये हमारे राजेंद्र बाबू, और मतलब आदर्शों को सामने रख करके, संघर्षों को सामने रख करके बिहार परिवर्तन के तरफ चल दिया है, देश भी परिवर्तन के तरफ जाएगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, पत्रकार बंधु इधर उधर मत भागिए, सही बात को लीजिए। हम सीधा आदमी हैं, सोच बात बोलते हैं, हम जो बात कहते हैं उस काम को कीजिए। आप लोगों को बहुत बेरोजगारों को नौजवानों को रोजी देने वाला बिहार और ये जो जुल्म अत्याचार है उसको खत्म करने करें।
जो हुकूमत है बढ़िया काम करे उसको सहयोग करने का काम। उस भाई चांसलर का पावर सीज कर लिया गया, हम समझते हैं कि डेढ़ पौने दो बरस बिना पावर का वह भाई चांसलर जेपी यूनिवर्सिटी में बैठा था। नई सरकार बनी तेजस्वी जी और आपके नीतीश जी और शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, पहले का काम की भाई चांसलर के वित्तीय पावर भी दिए और उनके प्रशासनिक पावर भी दे दिए और समय पर उन लोगों ने कहा है कि हम लोग परीक्षा भी करावेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और शिक्षकों के समस्या का भी निदान हम लोग करेंगे।